सत्प्रियकार अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उपासना मैजिक मोमेंट चैनल। एंड उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में मैं उपासना फूड ब्लॉगर आज आप लोगों के सामने बना लिया गर्मा गर्म तेलुगु स्पेशल या आंध्रा स्पेशल टमाटर राइस या टमाटर वाली चावल। तो ये वाला रेसिपी बहुत ही अच्छे होते हैं विंटर के मौसम के लिए एंड ऑल्सो समर की मौसम के लिए। कितनी अच्छे से हम इस टमाटर राइस को आंध्रा स्टाइल परफेक्ट घर पे बना सकते हैं, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते सत्श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उपासना मैजिक मोमेंट चैनल। एंड उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में मैं उपासना फूड ब्लॉगर आज आप लोगों के सामने बनाने जा रही हूँ एक साउथ इंडियन स्पेशल रेसिपी। इसके पहले मैंने आप लोगों के सामने बहुत दिन पहले लेमन राइस को रेसिपी शेयर किया था, पर आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी टमाटो पुलाव या साउथ इंडियन स्टाइल टमाटो राइस को रेसिपी। ये टमाटो राइस का रेसिपी बहुत चाहिदा है साउथ इंडिया में, और ये जो गर्मी का मौसम आ रहे हैं इस समय में ये जो टमाटो राइस है वो अच्छे से खाना चाहिए। तो टमाटो राइस बनाने के लिए पहली तो हमें लगेगा ऑब्वियसली टमाटो। इधर मैंने 3 मीडियम साइज का टमाटर को अच्छे से चॉप कर लिया है। इसके साथ ही हमें लगेगा धनिया के पत्ते, इसके साथ हमें लगेगा राई दाना तड़के के लिए, और लगेगा हल्का सा हींग, ये भी तड़के के लिए चाहिए, और उसके साथ तड़का के लिए हमें चाहिए हल्का सा चना दाल। आप चाहे तो इसके साथ उड़द दाल ले सकते हैं। और हमें लगेगा 2-3 हरी मिर्ची, 2-3 हरी मिर्ची हम लेंगे टमाटो राइस में तड़का डालने के लिए। तो टमाटो राइस के इसके बिना भी जो बहुत चीज़ की ज़रूरत होते हैं वो है कड़ी पा या कड़े पत्ता, पर विंटर की वजह से मुझे कड़ी पत्ता मार्केट में नहीं मिला। मेरा घर का जो पेड़ है वो भी सूख चुका है, पर टमाटो राइस में जैसे साउथ इंडियन रेसिपी है तो आपको कड़े पा यूज़ करना चाहिए। और उसके साथ ही हम इसके अंदर यूज़ करेंगे ए हैंडमेड सांभर मसाला। ये जो सांभर मसाला है ये टमाटो राइस में या टमाटो पुलाव में बहुत अच्छा स्वाद लाता है, और इसका रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी। तो चलिए टमाटो राइस का रेसिपी शुरू करते हैं। टमाटो राइस बनाने के लिए पहली हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल, गुड अमाउंट ऑफ ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ऑयल डालने के साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे ये हरी मिर्चियाँ। हरी मिर्चियाँ को टिप को तोड़कर इसको डालना चाहिए। ये जो इसका टिप होते हैं ये टिप को एक बार तोड़ लेना चाहिए, इससे क्या होगा ये तेल के जाने के बाद एक क्रैक नहीं होगा तो आपको मुँह में फट के लगेगा भी नहीं। तो ये डाल दिया हमने, इसको एक बार चला लेते हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर यूज करेंगे राई दाना, जो बहुत ही चाहिदा है टोमेटो राइस में। इसके साथ साथ करेपा यूज़ करना चाहिए, पर जैसे मैं करेपा यूज़ नहीं कर पा रही हूँ मैं पहले थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रही हूँ हल्का सा फ्लेवर के लिए। और उसके साथ ही हम इसके अंदर ऑब्वियसली डालेंगे हींग, हींग मैंने डाल दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे चना दाल, चना दाल हमें अच्छे से इसके अंदर फ्राई करना होगा, और चना दाल से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। अब हमें चना दाल को एकदम लो फ्लेम पे धीरे धीरे को पकाना है, हल्का सा ये पक जाए तब हम इसके अंदर टमाटर को यूज़ करेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, पर प्याज मैं इसमें रिकमेंड नहीं करती हूँ, ये टमाटर राइस है तो इसके अंदर टमाटर ही यूज़ करना चाहिए। और जो इसके अंदर मेन चीज़ लगेगा वो है राइस। तो देखिए आप चाहे तो नॉर्मल बासमती राइस भी ले सकते हैं, इधर मैंने एकदम गर्मा गर्म फ्रेश नॉर्मल वाली राइस बना लिया है। तो चलिए इसको साइड में रख लेते हैं, ओ अच्छे से क्रैकर होने दे इसको, एक दो बार इसको चला ले। चला लेने के बाद हम इसके अंदर ऑब्वियसली ऐड करेंगे एक टमाटर। टमाटर राइस में टमाटर का क्वांटिटी गुड अमाउंट में होना चाहिए, तभी टमाटो राइस बहुत ही अच्छा एंड स्वादिष्ट बनेगा। देखिए ऐसे हम बना रहे हैं, टेम्परेचर को हल्का सा हाई कर दे और टमाटर को पिघलने तक वेट करें। इसके अंदर ऑब्वियसली ऐड करें सॉल्ट, गुड अमाउंट ऑफ सॉल्ट यूज़ करें इसके अंदर,
इसके बाद इसके अंदर सॉल्ट नहीं ऐड करना है। अच्छे से टमाटर को एकदम मुशी होने दें। एंड ऑब्वियसली दिस टाइम आई विल गोइंग टू ऐड दिस सांबर मसाला 1 टीस्पून। ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए, बहुत ही हल्के बनते हैं टोमेटो राइस। सिर्फ टमाटर को अच्छे से मूशी होना चाहिए, टमाटर को अच्छे से मूशी होने दे, टेम्परेचर को लो रखे। इसके बाद टमाटर अच्छे से मूशी हो जाने के बाद हम इसके अंदर राइस ऐड करेंगे और अच्छा वाला टमाटर का राइस बनाएंगे। तो चलिए इसको 5-7 मिनट तक मूशी होने तक कुक कर लेते हैं। तो देखिए इधर हमारा जो टमाटर है बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। हम इसको हल्का सा फ्राई भी कर लिया है। अब हम टेम्परेचर को लो कर देंगे और इसके अंदर हम ऐड करने जाएंगे अब राइस। तो राइस हमें फिर भी इसके अंदर ऐड करना है। टमाटर जो फ्राई हो गया है इसके अंदर हम एक स्पैचुला करके राइस ऐड करेंगे। देखिए राइस मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसको टमाटर के साथ साथ चलाएंगे। ये एक टैंकी टाइप का राइस होते हैं तो ये खाना भी हेल्थी भी बहुत अच्छे होते हैं और साउथ इंडिया में ये बहुत फेमस भी है। तो देखिए इसके अंदर अब हम और राइस ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून राइस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के साथ ही हम इसको आस्ते आस्ते हाथ में चलाएंगे। मसाला मैंने पहले ही ऐड कर दिया था तो अभी हम मसाला नहीं ऐड करेंगे वरना ये इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो वैसे भी ये टमाटर राइस है फिर भी हम इसके अंदर हल्का सा नींबू का जूस ऐड करेंगे और नींबू का जूस ये टमाटर राइस में बहुत ही अच्छा एक स्वाद लाता है। इसके अंदर हम गुड अमाउंट ऑफ धनिया का पत्ता डालेंगे और राइस एकदम झरझरा होने चाहिए, जिसको बोलते हैं बिखरा हुआ राइस एकदम होना चाहिए बिखरा हुआ। तो चलिए इसको 2-3 मिनट तक इसको ऐसे ही पका लेते हैं। तो देखिए 5-6 मिनट तक एक कुक हो चुका है। अब हम इसके अंदर हल्का सा नींबू का जूस जो है वो स्क्विंच कर रहे हैं। जो लेमन राइस होता है उसके अंदर पीनट यूज़ होती है पर इसके अंदर उतना पीनट यूज़ नहीं होता है। ये टमाटर वैसे भी टेंगी होता है फिर भी हम इसके अंदर हल्का सा नींबू का जूस ऐड करेंगे। इससे इसका टेंगीनेस में भी बहुत ही एक चटपटा फ्लेवर आएगा। मसाला तो हमने इसके अंदर डाल ही दिया है। तो एक पूरा होल साइज़ का मैंने नींबू यूज़ किया, लेमन साइज़ का यूज़ किया मैंने। बस इसको हम ऐसे ही बस चला लेंगे और सॉल्ट एक बार चेक कर लेंगे हम। वाव बहुत ही स्वादिष्ट खाने में मिले क्योंकि इसके अंदर और भी चटपटा स्वाद लाने के लिए और थोड़ा सा हल्का सा मसाला हम इसके अंदर डालेंगे और ये हो गया हमारा काम तमाम। हल्का सा टोमेटो राइस जो है एकदम पक चुके हैं। अब इसके अंदर एक ही चीज़ डालना है, वो है हरा हरा धनिया। हरा हरा धनिया हम इसके अंदर डालेंगे क्योंकि टोमेटो राइस के अंदर धनिया डालना तो मैंडेटरी होते हैं। ऐसे कुछ अमाउंट ऑफ धनिया हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। देखो उस अमाउंट ऑफ धनिया मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। चलिए और थोड़ा सा धनिया ऐड कर देते हैं क्योंकि विदाउट धनिया टमाटर राइस में स्वाद आएगा ही नहीं। तो सब कुछ हमने डालना हो गया और हमारा गर्मा गर्म टमाटर वाली राइस हैदराबादी स्टाइल या तेलुगु स्टाइल या साउथ इंडियन स्टाइल बनके तैयार है। तो देर किस बात की, चलिए अब रेसिपी हो गया है ख़त्म, अब दिखाते हैं आप लोगों को सर्विंग। तो देखिए इधर हमारा गर्मा गर्म टमाटर राइस एकदम बनके तैयार है। तो चलिए इसको हम सर्व भी करते हैं इस टमाटर की पीसेस के साथ और इसका आप लोग घर पे मज़ा लीजिए। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं।
ये आंध्रा स्टाइल या साउथ इंडियन स्टाइल टमाटो राइस बहुत ही टेस्टी होते हैं। आपने देखा कितनी आसान तरीके से मैंने इस रेसिपी को घर पे बना लिया। आप भी इस रेसिपी को घर पे बनाए, घर वालों को बना लेके खिलाए, घर वालों बहुत खुश होगा। तो चलिए आज मेरा रेसिपी इतना तक ही, लौट के आऊंगी दूसरा एक दिन। बाय।